हेलो फ्रेंड्स, और मैं आज अभी अभी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो इंग्लिश का पेपर हुआ है उसको बी सी रेंज का हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, अभी जो इंग्लिश का पेपर हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, और आज हम उनका उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और इसके बाद मेरे पास अभी बुकलेट सीरीज़ भी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और मैं अब चलो चलते हैं पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। आगे भी जो पेपर होंगे उनके सॉल्यूशन आप लोगों को मिलते रहेंगे जल्दी, जैसे कि सिनोनिम्स। सिनोनिम्स सबसे पहले पूछेंगे, क्वेश्चन नंबर वन है सिनोनिम्स ऑफ लेजी। लेजी का होगा सिनोनिम्स, लेजी का सिनोनिम्स होगा आइडियल। ओके, एंटोनिम्स ऑफ अफ्रेड, अफ्रेड का होगा कॉन्फिडेंट। ओके, अफ्रेड का होगा कॉन्फिडेंट। एंटोनिम ऑफ अफ्रेड मतलब सेकंड नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? सेकंड नंबर क्वेश्चन का होगा आप लोगों को जैसा कि हमने बताया अफ्रेड, अफ्रेड का होगा, अफ्रेड का होगा कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होगा इसका, ये सही कर दीजिएगा, ठीक है। और इसका तीसरे में एंटोनिम डिमांड, डिमांड का क्या होगा? डिमांड का होगा डिमांड, डिमांड का होगा सप्लाई, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं डिमांड का होगा सप्लाई। ओके, डिमांड का सप्लाई होगा। एंटोनिम ऑफ ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का होगा क्वेश्चन, ट्रेजिडी, ट्रेजिडी का एंटोनिम्स क्या होगा? बी नंबर सही है, कॉमेडी, कॉमेडी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं पाँचवें में, पाँचवें पे आते हैं एंटोनिम ऑफ, एंटोनिम ऑफ विलेन, विलेन का क्या होगा? विलेन का होगा हीरो, विलेन का हम लोग क्या कर देंगे? विलेन का हो जाएगा हीरोस, विलेन का हो जाएगा हीरो। ओके, एंटोनिम ऑफ वेल्थ, एंटोनिम ऑफ वेल्थ, वेल्थ का होगा पुअर्टी, पुअर्टी होगा यहाँ पर, ये वेल्थ का हो जाएगा पुअर्टी, पुअर्टी मतलब डी नंबर हो जाएगा। होमोफोन ऑफ एड्रेस, एड्रेस का मतलब होता है एड्रेस, एड्रेस मीनिंग सर, होमोफोन्स मीनिंग सर, इसका होगा ये क्वेश्चन नंबर सी सही होगा, इसका आंसर नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है। और एट नंबर इसका देखते हैं, एट नंबर होमोफॉर्म बार्क, बार्क में से एक तो होती है पेड़ की ए ट्री आउट ऑफ लेयर, और दूसरी होती है द साउंड ऑफ ए मेक, मतलब आठवें का कौन सा नंबर होगा? आठवें का होगा बी नंबर, आठवें का बी नंबर आपका सही हो जाएगा ये। ओके, अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नौ पे। क्वेश्चन नंबर नौ क्या है? क्वेश्चन नंबर नौ में होमो, होमोनिम्स रोज मीनिंग्स आर, इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर नौ का होमोनिम्स रोज, रोज का मीनिंग्स आर, रोज का मीनिंग्स, रोज का मीनिंग्स क्या होगा? रोज का मीनिंग्स होगा क्वेश्चन नंबर रोज, रो इसका होगा सी, इसका सी सही होगा, रोज का सी नंबर ये सही होगा क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर आते हैं टाइम टाइम वन, होमोनिम ऑफ टायर मीनिंग्स आर, इसका होता है ए पार्ट ऑफ व्हील एंड टू नॉट फील हैप्पी, मतलब पहला और तीसरा, इसका नंबर कोर्स में क्या होगा? ए नंबर सही होगा। इसका हो, ए नंबर सही होगा। इसके बाद आते हैं ग्यारह नंबर, कंफ्यूज बट फॉर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का होगा, एक्सेप्ट का होगा, एक्सेप्ट होगा, इसका मतलब बी नंबर सही होगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये बी नंबर सही होगा आपका। ग्यारह के बाद बारह, बारह नंबर कंफ्यूज बर्ड फॉर इफेक्ट, इफेक्ट का होगा आप लोग देख सकते हैं जैसा कि निशान लगा हुआ है इसमें, इसमें होगा ये नंबर सही होगा। ओके, आगे चलते हैं कंफ्यूज बर्ड फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का होगा बी नंबर, ये भी सही होगा। मीनिंग ऑफ ब्रीफ, ब्रीफ का होगा क्या? ब्रीफ का होगा शॉर्ट। ओके, ब्रीफ का आप लोग देख सकते हैं इसका शॉर्ट, सी नंबर सही होगा। मीनिंग ऑफ, मीनिंग ऑफ कॉन्शियल, कॉन्शियल का होगा टू हाइड, कॉन्शियल का क्या होगा यहाँ पे? टू हाइड सही होगा। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सोलह, जॉब एप्लीकेशन इज ए फॉर्मल, ये इसका ए नंबर सही होगा फॉर्मल में। ओके, और क्वेश्चन नंबर आते हैं सत्रह पे, क्वेश्चन नंबर सत्रह क्या? ए वर्ड यूज फॉर प्रोनाउन और मॉडिफाई इज कॉल्ड, क्या करते हैं? आर्टिकल, यहाँ पे होगा आर्टिकल हमारा सही होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अठारह, आइडेंटिफाई आर्टिकल्स आर, आइडेंटिफाई आर्टिकल्स इंडेफिनिट, आइडेंटिफाई नहीं सॉरी इंडेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? हमारा नंबर बी सही होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर? बी सही होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अठारह के बाद उन्नीस बाद डेफिनेट, डेफिनेट में, डेफिनेट में कौन सा होता है? डेफिनेट में होता है द नंबर, द होता है मतलब इसका ए नंबर एकदम राइट आंसर है। ओके, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर बीस, आर्टिकल यूज्ड बिफोर
ए यूनियन, बिफोर ए यूनियन, इसमें नंबर सी सही होगा। ओके इसके बाद आई विल सी यू, आई विल सी यू डैश संडे, इसमें ऑन बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। द मूवीज स्टार्ट्स, इसमें एट पर आ जाएगा बीच में, इसमें जो है आपका ये एट आ जाएगा। ओके एट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड द चाइल्ड हाइड ऑन अंडर अंडर द टेबल आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा अंडर द टेबल, यहाँ पे डी डी नंबर करेंगे हम, सही हो जाएगा यहाँ पे अंडर डी। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कंबाइन द सेंटेंस इन टू ए सिंपल सेंटेंसेस, कंबाइन द सेंटेंस इन टू ए सिंपल सेंटेंसेस, तो इसमें सिंपल सेंटेंस आप लोगों को देखना होगा। इसका इसमें क्या होगा, 24 का ए नंबर सही हो जाएगा, इसका 24 का ए नंबर आपका सही होगा ये। ओके इसके बाद आते हैं 25 में। 25 में हमारा क्या दिया गया है, कंबाइन द सेंटेंस इन टू ए सिंपल सेंटेंस। इसका दोस्तों इसका आंसर हमें अभी कंफर्म नहीं था, तो इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं देखा है। अगर आप लोगों को पता हो तो इसका आंसर कृपया करके कमेंट्स में बताएं। अगर मुझे पता चलता है या मुझे बाद में मैं देखकर आप लोगों को बता सकता हूं तो मैं कमेंट्स में बता दूंगा। ओके मुझे 3-4 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर नहीं मिल पाए हैं और मैंने अभी ढूंढ भी नहीं पाए क्योंकि इतना टाइम नहीं था आप लोगों के लिए, ये सॉल्व करना था क्वेश्चन इसमें। इसके बाद आते हैं, जैसे कि ये 25 नंबर मुझे नहीं मिला था आंसर, और इसका 26 भी ये छोड़ देते हैं, और इसके बाद 26 और 27 छोड़ देते हैं। इसके बाद में फिर हम बता, अब क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। 28 में क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 28 एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 चेंज इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसमें होगा, इसमें क्वेश्चन अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ये इसका बी नंबर राइट है, ये जो मुझे लग रहा है, अगर इसका गलत भी हो सकता है। और इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 29 में भी आप लोग देख सकते हैं, अगर इसका सही आंसर आप लोगों को पता हो तो आप लोग बताएं। और इसके बाद आइए 30 नंबर, ही सैड आई एम हैप्पी, ही सैड दैट ही वाज हैप्पी, इसका 30 का सी नंबर सही होगा आंसर, जैसा कि यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। 31 का क्वेश्चन नंबर 31 इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ सेंटेंस, इसका भी बी नंबर सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। 2+2 एंड ब्लैंक एंड 4, इसका 32 में होगा, 32 का बी नंबर राइट होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 32 का बी नंबर राइट होगा। ओके इसके बाद ये 33 में सीजर्स ऑन द टेबल्स, द सीजर्स खाली स्थान ऑन द टेबल, इसका नंबर सी में होगा, सी नंबर सही होगा इसका। ओके 33 का सी नंबर सही होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। 34 में स्टैटिकल स्टैटिकल डिफरेंट सब्जेक्ट, तो इसका होगा ए, इसमें ए सही होगा, इज आएगा इसमें। ओके इसके बाद आते हैं फुल फॉर्म ऑफ सी बी, इसमें भी बी 35 का बी नंबर सही होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं 35 के बाद 36 में भी, 36 में सी वी इज इंटरचेंजेबल टू सी वी इज, इसमें हो जाएगा आप लोगों का रिज्यूम। ओके इफ ए लेटर स्टार्ट्स विद ए पर्सन नेम्स एंड्स विद बी, बी नंबर क्या होगा, प्रीसीस नहीं 37 में इफ लेटर स्टार्ट्स विद ए पर्सन नेम्स एंड्स विद, तो इसका होगा योर सिंसियरली ए नंबर, मतलब इसका ए नंबर सही होगा, करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। ओके 37 के बाद, इसके बाद आइए अर्थ व्हाट साइज ऑफ द पेपर बी यूज फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के लिए कौन सा पेपर हमें यूज़ करना चाहिए, तो इसका मतलब इसे तो सबको पता होगा क्योंकि इसका बी नंबर सही है, A4 साइज पेपर हमेशा यूज करते हैं एप्लीकेशन के लिए। ओके सिनॉप्सिस शुड बी रिटन इन, कौन से पर्सन के लिए लिखा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर सही होगा, इसके थर्ड पर्सन के लिए लिखा जाता है, ठीक है।
थर्ड पर्सन के लिए गया बोर्ड इंटरव्यू ऑफ द बर्ड इंटरव्यू कम फ्रॉम ड्राइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज, ये कौन सी भाषा, इंटरव्यू शब्द कौन सी भाषा से उत्पत्ति हुई है इसकी, तो इसका आंसर होगा 40 का बी नंबर सही होगा, फ्रेंच भाषा से हुई है। ओके, इसमें एन एक्स्ट्रा वैगेंट स्टेटमेंट इज कॉल्ड 41 का होगा आपका बी नंबर हाइपरबोल, 41 का बी नंबर हाइपरबोल आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 42, एवरी पॉइंट सेइंग इज कॉल्ड, तो इसका आपका होगा सी नंबर, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा एपिग्राम। ओके, 43 में आइए, 43 में टू अपोजिट वर्ड्स यूज्ड इन फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड, तो इसका होगा 43 का आपका ऑक्सीमोरन, मतलब सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। द लाइवलीनेस ऑफ लैंग्वेज इज नोन 44 नंबर, मतलब इसका होगा लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब इसका बी नंबर में दिया गया है, ये सही होगा आंसर। ठीक है, इसके बाद आइए 45, व्हेन वी कन्वर्स विद आवर फ्रेंड विद टॉक इन इनफॉर्मल, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा इनफॉर्मल। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, फॉर माइनस शूटिंग एप्रिएटेड एज एन आर्टिकल इन ट्राइब्यून इज, इसका होगा 1945 दिसंबर, मतलब आंसर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आंसर इसका। ठीक है, एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन, इसका आंसर होगा 6 अगस्त 1945, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा आंसर। हु इज ऑथर ऑफ बर्ड माइनस शूटिंग, जैसा कि हमने आज सुबह आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने अगर सुबह वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें कहा भी था कि आप लोग थ्योरी वाले जो 3 लेसन आप लोगों के दिए गए हैं वो ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से इसका नंबर डी नंबर 48 का, वॉर माइनस शूटिंग के ऑर्थर कौन है, तो इसका डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, यू एंड योर इंग्लिश, इसके हैं जी वी शाह, इसके कौन है, जी वी शाह हैं, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। इसके बाद आइए 50 नंबर क्वेश्चन पे, मतलब 50 नंबर क्वेश्चन, डिलेमा, डिलेमा इज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया, रेमंड बी फोस्टिक, मतलब सी नंबर, इसका आंसर सी नंबर सही होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आइए 51 नंबर पे, इसमें जी वी शाह सजेस्ट टू स्पीक इन विच लैंग्वेज व्हेन वी ट्रेवल इन ब्रिटिश कॉमनवेल्थ और अमेरिका, तो इसका होगा बी नंबर इंग्लिश, इसका बी इंग्लिश नंबर करेक्ट होगा आंसर। ठीक है, बाउंड में आइए, रेसिप्रोकल टीचिंग वाज डेवलप्ड इन, मतलब रेसिप्रोकल टीचिंग वाज डेवलप्ड इन, तो इसका होगा बी नंबर सही होगा, 1980 में डेवलप्ड हुई थी रेसिप्रोकल। विजुअलाइजेशन इज लाइक ए, तो इसमें होगा मेंटल इमेज आपका सही होगा, मेंटल इमेज इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे, अकॉर्डिंग टू बेविस्टर डिक्शनरी कंप्रेशन इज, बेविस्टर डिक्शनरी कंप्रेशन इज, इसका बी नंबर आपका होगा, यहाँ पे इसका आंसर बी नंबर करेक्ट होगा आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद आइए 55, बार्ड फीलिंग इज नीडेड टू इंक्लूड इट, इंक्लूडेड मतलब इसमें होगा नेशनलिटी, मतलब सी नंबर आपका आंसर सही होगा, इसमें सी नंबर इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 56, हु स्पेंट लाइफ इज लेबोरेटरी एट एल यूनिवर्सिटी, तो इसमें होगा आपका विलियम गिब्स, विलियम गिब्स मतलब दिया गया है सी नंबर ऑप्शन में, तो सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सिनोनिम ऑफ कीप इज, सिनोनिम ऑफ कीप इज, इसका होगा कीप का होगा होल्ड, क्वेश्चन नंबर बी सही है, 57 का बी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, आपका सिनोनिम ऑफ फास्ट इज क्या कहते हैं, इसे सिनोनिम ऑफ फास्ट इज, यहाँ पे हम आप लोगों को क्या बता रहे थे, इसके बाद आइए यहाँ पे यहाँ
पे थे हम लोग 57 क्वेश्चन नंबर कीप इज होल्ड इसका सिनोनिम ऑफ कीप इज तो इसका होगा आंसर बी नंबर होल्ड सही होगा ओके इसके सिनोनिम ऑफ फास्ट का सिनोनिम होगा आपका क्विक मतलब सी नंबर आंसर सही है। इसके बाद आइएगा कॉन्सेप्ट नंबर सिनोनिम ऑफ कूल इज तो इसका होगा बी नंबर मतलब कोल्ड सही होगा इसमें कोल्ड क्वेश्चन बी नंबर सही होगा। 60 में सिनोनिम ऑफ हेट हेट मतलब एवोर मतलब इसका क्वेश्चन का सी नंबर सही होगा ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और आगे भी आप लोगों को ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे और सॉल्व होते रहेंगे क्वेश्चंस ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।